बात आदि दोस्तों, नवरात्र में देवी के मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगना तो आम बात है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शक्तिपीठ लेकर जा रहे हैं जहां पर भक्तों की दिन पर दिन बढ़ रही तादाद का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हम आपको लेकर जा रहे हैं उत्तराखंड में स्थित एक ऐसे शक्तिपीठ जहां पर देवी सती की नाभि गिरी थी। ये शक्तिपीठ उत्तराखंड के चंपावत जिले में पूर्णागिरी के नाम से स्थित है। ये मंदिर अन्नपूर्णा पहाड़ी पर 5500 फुट की ऊंचाई पर स्थापित है। ये मंदिर पूरे एक दशक पुरानी पहाड़ी पर स्थित है, जो पिछले कुछ समय से तरक्ती जा रही है। इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी माँ के भक्त वहाँ जाने से नहीं कतराते हैं, वो तो मन में बस माँ से मिलने की आस लिए बढ़ते चले जाते हैं। माँ के इस भव्य मंदिर में भक्तों की भीड़ देखते बनती है, दिन हो या रात हर कोई माँ से मिलने को बेताब है। पूर्णागिरी मंदिर नामक शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से प्रमुख है। ये शक्तिपीठ उत्तराखंड राज्य से नेपाल सीमा के सटे चंपावत जिले के टनकपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर अन्नपूर्णा पहाड़ी पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार जब विष्णु भगवान ने भोलेनाथ के क्रोध से ब्रह्मांड को बचाने के लिए देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए थे, जिसके बाद जहां भी देवी सती के गहने और शरीर के अंग गिरे वो जगह शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो गई। कहा जाता है यहाँ पर माँ की नाभि गिरी थी, जिसके बाद से ये जगह लोगों की आस्था का केंद्र और शक्तिपीठ कहलाई जाने लगी। माना जाता है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से माँ के आगे झोली फैलाता है, माँ उसकी मुराद जरूर पूरी करती है। इसी वजह से हर साल नवरात्रों के दौरान यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए कई कठिनाइयों को पार करते हुए आते हैं। इस धाम में हर धर्म के लोग माँ से अपनी मुरादें पूरी कराने के लिए अर्जी लगाते हैं। संगमरमर के पत्थरों से बना ये मंदिर हमेशा लाल चुनरी, सुहाग के सामान और चढ़ावे से भरा रहता है। मंदिर परिसर में माता का नाभि स्थल पत्थर से ढका हुआ है, जिसका निचला छोर शारदा नदी तक है। और हाँ, यहाँ पर मनोकामना पूरी होने पर चीर की गांठ खोलने की मान्यता भी प्रचलित है। मान्यता के अनुसार इस शक्ति पीठ के साथ बाबा सिद्धनाथ का महत्व भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि बाबा सिद्धनाथ माँ पूर्णागिरी के भक्त थे, जो रोज देवी के दर्शन के लिए दरबार में हाजिरी लगाते थे। एक दिन देवी पूर्णागिरी अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी, इसी बीच अचानक बाबा सिद्धनाथ देवी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे क्रोधित होकर देवी ने बाबा के शरीर के टुकड़े कर उन्हें हवा में उछाल दिया। और जब माँ पूर्णागिरी को पता चला वो कोई और नहीं बल्कि उनके भक्त बाबा सिद्धनाथ थे, तब उन्हें पछतावा हुआ और माँ ने कहा कि मेरे दर्शन करने वाले हर भक्त की मनोकामना तभी पूरी होगी जब वो तुम्हारे दर्शन करेगा। तब से ही माँ के भक्त उनके दर्शन करने के बाद बाबा सिद्धनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। जय माता दी दोस्तों।